गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग 1। हमने अक्टूबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में से डायरेक्ट लेबर का सम किया था और आज हम करेंगे अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड का सम। आई ऑलरेडी अपलोडेड 1 वीडियो ऑफ अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड जिसमें मैंने आपको एक सम एक्सप्लेन किया था। वो भी सम वैसा ही था जिसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाते थे सिवाय एक पॉइंट के जो इसमें कवर होंगे, राइट। अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड में बेसिकली दो तरह के सम्स होते हैं। तो अभी जो ये सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डन, सेकेंड लेक्चर है अभी वो फर्स्ट टाइप के सम्स का ही चल रहा है। इसके बाद का एक जो वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको सेकेंड टाइप ऑफ यानी कि मशीन आवर रेट और जो उसके अंदर हमें प्रोडक्शन पर आवर ढूंढना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। राइट नाउ हम अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड वाले ही मेथड में काम कर रहे हैं। तो चलिए क्या करेंगे हम, गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन 4A है धम माधव लिमिटेड, जिसके अंदर हमें ये 3 प्रोडक्शन XYZ एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट M&N दिया हुआ है, जिसके ये सारे एक्सपेंसेस हैं और इन सारे एक्सपेंसेस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस, ये है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बेस और ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के बेस। ये यहाँ तक आप लास्ट लेक्चर जो है उसे देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए गो फॉर फर्स्ट लेक्चर एंड देन कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। उसके बाद जो है वो ये है कि एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज XYZ M&N। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एम और एन का जो एक्सपेंस दिया है, हमारे जो XYZ M&N जो 5 डिपार्टमेंट है उसमें आप सर्विस डिपार्टमेंट एम के जो खर्चे हैं वो XYZ और एन को भी देंगे, एंड द सेम वे सर्विस डिपार्टमेंट एन के जो खर्चे हैं वो आप XYZ के साथ साथ एम को भी देंगे, जबकि ये दोनों तो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ओके, तब हम सर्विस डिपार्टमेंट को कंसिडर नहीं करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कहा है कि आपको 10% निकाल के रख देना है तो हम वो करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं एम और एन के, उसके लिए वापस से ढूंढना पड़ेगा। वो सब मैं आपको समझा दूँ अभी ओरली नहीं, ओके। एन आइटम कॉस्ट 250 फॉर रॉ मटेरियल, 150 फॉर वेजेस एंड इट टेक्स 6, 4, and 2 hours इन डिपार्टमेंट XYZ फॉर कम्प्लीशन। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टू वेरियस डिपार्टमेंट। हमारा पहला टेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारा दूसरा टेबल। फाइंड आउट द प्रोडक्शन रेट पर आवर, हम जो सेकेंड टेबल बनाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट का उसी के नीचे मैं आपको ढूंढना सिखा दूंगी प्रोडक्शन पर आवर। एंड द लास्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस कॉस्ट है नहीं, तो और फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो बी केयरफुल इन दैट, ओके। तो ये सब में इतना नया है, पिछले सब ने हमने अपोर्शन किया था लेकिन उसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं दे रहे थे, यहाँ पर दे रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम एंड टोटली डिजर्व 14 मार्क्स, या 14 मार्क्स को पूरी तरह डिजर्व करता है ये क्वेश्चन। अब हमें उस तरह से एफर्ट्स करने हैं कि हमें 14 मार्क्स मिले, हम डिजर्व करें 14 मार्क्स, राइट। चलिए ये देखिए 14 मार्क्स मैंने थोड़ा सा बेसिक वर्क करके रखा है, क्योंकि सम बहुत बड़े हो जाते हैं और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़े बड़े वीडियो पसंद नहीं आते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक्सपेंस के नाम लिख दिए हैं, हमारे पास 6 एक्सपेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक एक्सपेंस फर्स्ट लेक्चर, प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो एंड कम ओवर हियर। फर्स्ट ये जो एक्सपेंस है वो तो है ही, लेकिन साथ में अगर आपके बेस में डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल है तो वो भी आपका एक्सपेंस है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वेजेस है यानी 7, सो टोटल हमारे एक्सपेंस हुए 7। तो मैंने ये 7 एक्सपेंस और उसके टोटल यहाँ लिख दिए। देखो वेजेस में नहीं लिखा है कुछ भी, 1 सेकेंड, वेजेस में कुछ भी नहीं लिखा, वो बाद में बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन्ड्रीज पहला हमारा एक्सपेंस है, 50,000 टोटल है। अब उसको किस बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बहुत सीधी सी बात है कि किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सन्ड्रीज हैं, मिक्स हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट वेजेस, ये सारे बेसिस हैं, डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीन, एरिया, HP, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स एंड वर्किंग आवर्स। तो जब सन्ड्री एक्सपेंस की बात आती है तो उसे हम डायरेक्ट वेजेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज अ बेस वी आर गोइंग टू टेक डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर बेसिस में मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट वेजेस, और उसका जो प्रपोर्शन है डायरेक्ट वेजेस का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी सिखाया है। तो दिस इज़ 15, 10, 15, 7, 5 and 25, दो दो जीरो निकाल देते हैं, तो 25, 75, 150, 100 and 150, सबको 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो आवर रेशियो फॉर दिस डायरेक्ट वेजेस और प्रपोर्शन फॉर दिस डायरेक्ट वेजेस इज 6:4:6:3:1, ओके। फिर से एक बार कैसे करते हैं
तो मैं यहीं आपको रफ में ही करके एक सिखा देती हूँ कि पहले कॉमन जो ज़ीरो होते हैं उसे निकाल दीजिए, तो दो दो ज़ीरो कॉमन निकलते हैं, तो बचता है 150, 100, 150, 75 एंड 25। 25 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, 25 वन ज़ा 25, 3 ज़ा 75, 25 3 ज़ा के बाद हमारा द नेक्स्ट इज 6, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ अगेन 6। अगर इसको भी अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर से तो वो निकालिए, नहीं कर सकते तो ये हमारा फाइनल फैक्टर। चलिए इसी तरह हम बाकी सबको भी करेंगे। हाल फिलहाल इनका टोटल करते हैं, तो इनका टोटल होता है हमारा 20, राइट। 15,000 को 20 से डिवाइड करेंगे देन वी विल हैव 2,500। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये लिखना ज़रूरी नहीं है पर आपको समझ में आए इसलिए मैं लिखती हूँ। अब हम 2,500 को इन सब से 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं 2,500 को। 2,500 इंटू 6 15,000 फॉर द एक्स, 4 से करेंगे तो 10,000, आइडियली हमको डायरेक्ट वेजेस ही मिलने वाले हैं। देन अगेन 15,000, देन 7,500 एंड 2,500। आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नेक्स्ट है, जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी बेस लेंगे, बट ऑब्वियस है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन। अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसका हम रेशियो ढूंढें, बहुत आसान है। 30 कॉमन है, निकाल देते तीनों में 30। 25 एक कॉमन और निकलेगा, 25 को सबसे डिवाइड करते हैं, देन वी विल हैव 12, 16, 20, 1:1। अब इन पांचों का अगर हम टोटल करते हैं देन इट विल बी 50, इट शुड बी 1,000। अब मैं 1,000 को सबसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इट विल बिकम वेरी इजी। 12,000, 16,000, 20,000, देन 1,000, देन 1,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। 50,000 इस टोटल 50 होता है, डिवाइड करो 1,000। अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड में अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट है, पर्टिकुलरली फॉर माई सेल्फ, ये सब बनाना, ये सब रेडी करना, ये बोलते हैं ना खाने की प्लेट लगाना डाइनिंग टेबल पर, ये सम जब हम करते हैं तो ये सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है, खाना खाने से पहले जितनी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इंक्लूडिंग डाइनिंग टेबल को सजाना, ये इसका नाम अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड है। बाकी कोई डिफ़िकल्ट कुछ इसमें है नहीं, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रिपेयर योर सम, कैसा बनाते हैं और कैसा दिखाते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट। चलिए नेक्स्ट इज रेंट एंड रेट्स। एरिया ऑक्यूपाइड सिंपल है, आप भाड़ा किस बेस पर देते हैं, जितना एरिया होता है, तो एरिया ऑक्यूपाइड और उसका जो प्रपोर्शन है एरिया ऑक्यूपाइड का, दैट इज़ हियर इट इज़। दो दो ज़ीरो कॉमन निकल जाएगा, यस कॉमन निकल जाएगा, और 5 से हम डिवाइड कर पाएंगे तो सिंपल सा इसका प्रपोर्शन फटाफट निकल जाएगा एरिया ऑक्यूपाइड का, 4:5:6:4:1। और इन सब का मैं टोटल करूँ 20 को डिवाइड करूँ देन वी हैव 1,250। ओके, चलिए 1,250 मल्टीप्लाई बाई ईच वन, तो जो पहला केस है उसमें आएगा 5,000। ओके, द नेक्स्ट वन इज 6,250, द थर्ड वन इज 7,500, द फोर्थ वन इज 5,000 एंड द लास्ट वन इज 1,250। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द पावर। पावर इज एच पी, हॉर्स पावर, वही है ना, हॉर्स पावर वी हैव। पावर में अगर हॉर्स पावर नहीं दिया हो तो लाइटिंग पॉइंट्स हैं। हॉर्स पावर 60, 30, 50, 10, लास्ट में डैश है तो 0,0,0 निकाल दीजिए। 6,3,5,1 लास्ट में डैश है वो याद रखना, 6,3,5,1 जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट। 15 टोटल आएंगे, 15 को हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 500, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी फैक्टर, सो हियर इट विल बी 3,000, 1,500, 2,500 एंड 500 एंड डैश। चलो इनडायरेक्ट वेजेस, सीधी सी बात है डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस को जब हम डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो ऊपर वाला ही प्रपोर्शन हमें नीचे कॉपी ही करना है, 6:4:6:3:1। ओके, और इसको हम 7,500 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 375, जिसको हम ईच फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं।
ईच फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो द फर्स्ट इज़ 2250, 1500, अगेन 2250, 1125 एंड द लास्ट वन इज़ 375 इट्सेल्फ। चलिए हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ जनरल लाइटिंग विच शुड बी लाइटिंग पॉइंट्स, एल पी लिख रही हूँ। लाइटिंग पॉइंट्स, लाइटिंग पॉइंट्स इज 10, 15, 20, 10, 5, सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो कर देते हैं। 2:3:4:2:1 250 आएंगे, डिवाइड करेंगे टोटल से, मल्टीप्लाई करते हैं 500, 750, 1000, 500 अगेन एंड 250। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमारा आएगा लास्ट पॉइंट, दैट इज़ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में क्या चेंज है? तो डायरेक्ट वेजेस आपके ये पांच है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट, ये ओवरहेड है। डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो कभी नहीं लिखना है हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हमें सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखने हैं डायरेक्ट वेजेस, विच इज़ 7500 एंड 2500। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस टोटल मस्ट बी 10,000, पहले तीन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में डैश और सर्विस डिपार्टमेंट में हम लिखेंगे 7500 एंड 2500, इन दोनों का टोटल 10,000। डन। चले मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस कॉलम। सो टोटल, ओके, सो दिस इज द टोटल ऑफ द ऑल द 5 डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग टोटल ऑफ द टोटल, राइट। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि आपको प्रपोर्शन जो सर्विस डिपार्टमेंट का दिया है, मोर ओवर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा पहला काम ये हो गया, दूसरा काम है हमें सर्विस डिपार्टमेंट को एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के एम के एक्सपेंस हैं जो हमारे आ रहे हैं, एम का एक्सपेंस आ रहा है 23,125। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एम के जो एक्सपेंस है 23,125 और जो एन है उसके एक्सपेंस है 7,875। ये है, बस सीधी तरीके से नहीं है कि एम के 23,125 हम इन तीनों को बांट दें, नहीं बांट सकते क्योंकि 10 एन को भी 10 देने, तो हमको यहाँ पर अलग से इक्वेशन डालना पड़ेगा और वो ये डालना पड़ेगा कि जो एम के एक्सपेंस है वो हम, यानी कि एम के एक्सपेंस कितने हैं 23,125, उसके साथ साथ एम और क्या कैरी करता है, तो एम ये रहा, एम 10% कैरी करता है एन का, और एन क्या कैरी करता है, तो एन का 10% ये रहा, यानी एन एम का 10% और एम एन का 10% कैरी करता है। तो यहाँ पर एम के केस में इसके ऑलरेडी ये एक्सपेंस तो है ही, पर साथ में वो एन के 10% कैरी करता है, तो 1/10 एन, या फिर एन का 10% आप लिखे सेम ही आएगा। दूसरी चीज़, एन के एक्सपेंस कितने हैं 7,875, और वो क्या कैरी करता है, वो एन के 10% कैरी करता है, 10th, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम एम की वैल्यू देखें तो ये m की और ये n की वैल्यू है, हम इसमें से किसी एक की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे n के लिए ढूंढने के m की और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं, पहले तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है। तो दोनों में हम सपोज m का लेते हैं तो 10 है तो ऊपर सबको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 10 चला जाएगा, 0 + n, समझ में आया। ये हमने क्या किया, नीचे 10 की इफ़ेक्ट हटाने के लिए हमने ये कर दिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि m की वैल्यू क्या है, तो फॉर यू m इज़ 2,31,250 + n डिवाइडेड बाय 10, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m जो हम किसी भी इक्वेशन में पुट ऑन करके ये ढूंढ। ओके, चलिए तो अब हम m की वैल्यू ये ले आए, तो अगर हमें n ढूंढना है तो m की वैल्यू ये रख कर हम ढूंढ सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 an आ जाएगा इज़ इक्वल टू 78750 प्लस m। ये कैसे आया, तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि नीचे 10 है उसको हटाने के लिए हम सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम m की वैल्यू रख देते हैं, तो 10 n इज इक्वल टू 78750, वट इज़ द वैल्यू ऑफ m, 2,31,250 प्लस n अपॉन 10, ये हमारी वैल्यू आई। अब हम इसको ईजी करने के लिए क्या करेंगे, तो अगेन 10 को हटाने के लिए हम ऊपर सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7,87,500 प्लस
231,250 प्लस एन, ये एन को मैं इधर ले जाऊंगी तो ये 99 एन हो जाएंगे, माइनस में चला जाएगा नहीं एन, ये एन माइनस में, इन दोनों को मैं प्लस करूंगी इट विल बी 10,18,750, 99 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी तो एन इज इक्वल टू 10,290, ये आई एन की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में एन की वैल्यू रख देते हैं देन वी विल गेट द एम, कोई भी इक्वेशन पकड़िए, चलो 10 AM वाला ये इक्वेशन पकड़ते हैं, 10 AM इज इक्वल टू 231,250 प्लस एन, मैं एन की ये वैल्यू यहाँ पर रख दूंगी तो इट विल बी 10 AM इज इक्वल टू 10 AM इज इक्वल टू 23,1250 प्लस 10,000 लिख देती हूँ, 231,250 प्लस 10,290, सो सीधा 10 को यहाँ डिवाइड करूँगी इन दोनों को प्लस करके, एम इज इक्वल टू द योर आंसर इज 24,154। आप ये कैलकुलेशन कर लेना इन दोनों का प्लस कितना होता है और 10 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, दोनों का प्लस यही हुआ 241,540, राइट। तो इस तरह से हमने एन और एम दोनों ढूंढ लिया बच्चों। आई नो आप बोलेंगे मैम ये सब क्या है, बहुत अलग अलग तरीके से आप ये ढूंढ सकते हैं, एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ, आप बोलेंगे मैम हमें तो ये सिखाया या फिर हमको तो इस तरह से, आप जैसे भी कंफर्टेबल है एम और एन की वैल्यू ढूंढने में, क्योंकि ये इक्वेशन है, ये सब आपका 10th आ गया तो ये आप ढूंढ लीजिए, एम और एन की वैल्यू आ गई, यानी कि अब आपके सर्विस डिपार्टमेंट एम के खर्चे ये है और एन के खर्चे हैं जिसे हम अपोर्शन करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेबल की तरफ विच इज़ दिस वन, अपोर्शन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस। सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को हमें एक्स वाई जेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एम का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ एम। अब हमारे लिए एम के खर्चे कितने, तो हमारे लिए हैं एम के खर्चे ये 24,154, राइट। चलो परसेंटेज कितने जो आपके क्वेश्चन में दिए हैं, कौन से ये वाले, दिस इज़ परसेंटेज एम के लिए 20, 30 and 40, ये भूल जाइए, अब हमने इसका सॉल्व कर दिया है, हमने 10% अंदर ऐड कर दिया है 20, 30 and 40, तो मैं यहाँ पर करूँगी 20, 30 and 40, या फिर आप 20:30:40 भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब आंसर आएगा हमारा 4,831,7,246 and 9,662। मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड के खर्चे ही नहीं लिखे, एक्स वाई जेड के खर्चे ये रहे हैं 37,753,600 and 48,250, तीनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं 37,750, ये कहाँ से आया, तो ये आया यहाँ से, आपके खर्चे कितने थे एम के, तो एम के खर्चे अब हमारे हैं 24,154, सो 24,154 ये हमारे एम के खर्चे हैं और इसको हम 20, 30, 40 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए डन हो गया, दूसरी है हमारी एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम एन, और एन के खर्चे कितने, तो एन के खर्चे हमारे हैं ये रहे 10,290, तो मैं नीचे लिख देती हूँ 10,290, इसको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये भी आपके क्वेश्चन में है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 40, 20 and 30, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 40, 20 and 30। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब आएगा 4,116, टोटल मारिए तीनों का एंड दैट इज़ 46,697, 45,304 एंड द लास्ट इज 61,001, ओके। अब इसको हम रिकवरी रेट हमें ढूंढना है, ओवरहेड रेट ऑफ रिकवरी, किस लिए, क्योंकि आपको याद है रेट ऑफ रिकवरी कि हमें फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड ढूंढना है, तो रिकवरी रेट के लिए क्या चाहिए, तो रिकवरी रेट के लिए आपको आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे प्लस आपको चाहिए आवर्स, वर्किंग आवर्स विच इज़ गिवन, राइट। तो हम सिंपली उससे डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर।
So here, this are the total of our production department after distributing service department expense into it. फिर हम उसको रिकवरी रेट ढूंढने के लिए आवर्स, ये ऑल दीज आर आवर्स और ये आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, उससे डिवाइड करिए. दैट इज़ वी विल गेट दैट आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट 7.5, 11.24 एंड 15 है. ये क्या है? तो ये जब हम फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे तब उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी. चलिए हमारा लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट. यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन. फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों सेम है क्योंकि हमारे पास कोई सेलिंग और ऑफिस कॉस्ट नहीं है. मटेरियल और लेबर विच इज़ गिवन. आइटम कॉस्ट 250 फॉर रॉ मटेरियल एंड 150 फॉर वेजेस. तो मैं यहाँ पे मटेरियल में लिखूँगी 250 और लेबर में लिखूँगी 150. दोनों का टोटल होगा 400 विच इज़ अवर प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड के लिए डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ये रेट ऑफ रिकवरी है, ये है आपका रुपीज़, राइट. और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रेट से. इट टेक्स 6, 4 एंड 2 आवर्स, आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिपार्टमेंट एक्स 7.5 राइट इन टू आवर्स, आवर्स इज 6, द टोटल इज 45. सेम वे 11.24 रुपीज, आवर्स इज 4 एंड आवर आंसर इज 44.96 एंड द थर्ड वन इज 15 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 2, आवर आंसर इज 30. तीनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे विच विल बी 119.96 एंड लाइक दैट. तो हम सीधा 200 ही लिखेंगे, राउंड 120 ही लिखेंगे. क्या हो रहा है, 120 लिखेंगे. आप कैलकुलेट करेंगे तो 119.96 ऐसा कुछ आ रहा है. तो हियर इट विल बी 120 इसमें ऐड करेंगे. 120 जब ऐड करेंगे देन इट विल बी 520 आपका फैक्ट्री कॉस्ट और यू कैन से प्रोडक्शन कॉस्ट. हो डन. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग अवर सम इज, बट इट इज़ कैरिंग 14 मार्क्स एंड यूनिवर्सिटी में आपके साथ भी यही होने वाला है 14 मार्क्स. ये पॉइंट काफ़ी ऑकवर्ड था, मुझे लगा ही था कि आप लोगों को थोड़ा लगेगा, बट ये यूनिवर्सिटी में पूछा है और ये आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस, राइट. सबसे पहला स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, सारे खर्चे लिख दीजिए, बेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करिए. डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखिए. इस तरह के सीन हो तो ही आपको ये सब करना है. और इसका मतलब ये होता है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट वाले भी जब डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन को तब ये चेंज आएगा, अदरवाइज सिंपल है फर्स्ट लेक्चर की तरह. उसके बाद हम सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन करेंगे, फिर तो सिंपल ही वो ढूंढ लो. उसके बाद रेट ऑफ रिकवरी ढूंढनी तब ज़रूरी है जब आपसे कहा गया होगी प्रोडक्शन कॉस्ट ढूंढिए, जस्ट लाइक दिस. ये प्रोडक्शन है और उसमें भी मटेरियल लेबर दिया होगा. ये रेट ऑफ रिकवरी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड के, क्योंकि ये सारे ओवरहेड्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन सब को आपके आवर्स से जो आपके क्वेश्चन में अगेन दिया हो, दिस वन. और ये तो यहाँ से लिया है. टोटल करिए, दैट इज़ योर प्रोडक्शन कॉस्ट. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस सम. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी कि मैम ये कैसे किया आपने. पहले वीडियो देख लेना पूरा, राइट. कोई कैलकुलेशन में पॉइंट में या प्लस माइनस हो तो दैट कैन बी जस्ट, आप ये सोचिए कि इतना प्लस एंड माइनस था तो थोड़ी एक आध गलती लगता तो नहीं है, बट इन केस अगर कुछ हो तो जस्ट अलाउ दिस, बिकॉज बेसिक मेन कंसेप्ट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड दिस सम. आपको सम कैसे समझ में आए हैं, टोटलिंग तो आप कैलकुलेटर से अच्छे से कर ही लेंगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप सबकी एग्जाम इंटरनल चल रही है अलग अलग यूनिवर्सिटी के, अलग अलग कॉलेज की. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू न्यू वीडियोज़ फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स, सीसी एंड इंग्लिश. यस, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम कॉमर्स टीचर, राइट. चलिए टैक्सेशन के लिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एवरीवन.